वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स कैसे बनाई जाती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हमने ये देखा कि स्ट्रिंग्स के अंदर से किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को या पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। आज हम इसी गुफ्तगू को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर से अगर हमें कोई चीज़ ढूँढनी हो तो हम उसे कैसे तलाश कर सकते हैं। Finding strings in strings. The find method is a built-in operation or method provided by Python that operates on string. पहला लफ्ज़ जो method का लफ्ज़ है, method क्या होता है, method को हम function भी कहते हैं, या method या function क्या होता है, इससे हम आगे ही हासिल करेंगे थोड़ा सा इस कोर्स में आगे चल के, तो इस लफ्ज़ को लेके फ़िलहाल हम परेशान नहीं होंगे। Find एक method है जो हमें Python के अंदर बना बनाया मिलता है, और उस मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी दूसरी स्ट्रिंग को तलाश करने के लिए। द आउटपुट ऑफ द फाइंड इज द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग वेयर द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग इज फाउंड। हम इसको मिसाल से देखते हैं ताकि हमें ये बात समझ आ सके कि ये इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, हम आइंस्टाइन का एक कोट ले लेते हैं, आइंस्टाइन के नाम से आप आगे ही रखते हैं, वो एक मशहूर साइंसदान था, तो हम स्ट्रिंग का नाम रखते हैं आइंस्टाइन और उसका एक कोट यहाँ पे हम लिखते हैं। वन सेड दैट टू थिंग्स आर इनफिनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टेबिलिटी, राइट। सो ये एक मशहूर कोट है जो आइंस्टाइन से मंसूब है। हमने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग एक वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर किया हमने इसे, वेरिएबल का नाम हमने रखा आइंस्टाइन और उसकी वैल्यू हमने रखी वो कोट जो आइंस्टाइन से मंसूब है, दैट टू थिंग्स आर इनफिनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टेबिलिटी। सो हियर वी गो, वी हैव डिक्लेयर्ड इट। अब हमने कहा था कि हम स्ट्रिंग के अंदर से कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इसके अंदर से अगर कोई चीज़ तलाश करना चाहें तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग का नाम, आगे लिखते हैं डॉट। सो याद रखिए, तरीका हमेशा ये होगा कि हमने जिस चीज़ में तलाश करना है, यानी जिस स्ट्रिंग में तलाश करना है, वो नाम पहले लिखा जो कि आइंस्टाइन है, उसके साथ ही हमने लिखा डॉट, डॉट के बाद हम उस मेथड का नाम लिख रहे हैं जो मेथड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तलाश करने के लिए इस स्ट्रिंग के अंदर किसी दूसरी स्ट्रिंग को। तो हमने लिखा आइंस्टाइन डॉट फाइंड और इसके आगे हम पैरेंथेसिस डाल देते हैं, राइट। सो सोर्स स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिख दी, दैट इज़ आइंस्टाइन, आगे डॉट के साथ हमने उस मेथड का नाम लिख दिया जो मेथड हमारे लिए इसको तलाश करेगा, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं वो स्ट्रिंग का हिस्सा, वो सब स्ट्रिंग, वो लफ्ज़ जो हम तलाश करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम इसके अंदर टी एच ई इसे तलाश करना चाहते हैं, राइट। सो वी सी, व्हाट डू वी गेट, वी हैव गॉट 25। अब अगर हम बेयरली नेकेड आई से इस स्ट्रिंग को देखें तो इसके अंदर हमें दी टी एच ई यहाँ पे मिलता है। हम ज़रा इसको वर्बली काउंट करके देख लेते हैं कि क्या इसकी लोकेशन 25 ही बनती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and this is 25. Remember, we count spaces as well. So 25th location के ऊपर ये string का हिस्सा find method को मिल गया, लिहाजा फाइंड मेथड ने हमें बता दिया कि स्ट्रिंग का जो हिस्सा आप तलाश करने की कोशिश कर रहे थे वो लोकेशन 25 पे पड़ा हुआ है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से, जैसे कि यहाँ हम इस स्ट्रिंग में से कुछ तलाश करना चाहते थे, तो हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी दूसरी स्ट्रिंग को तलाश कर सकते हैं फाइंड मेथड की मदद से। जिस स्ट्रिंग में तलाश करना है वो हम पहले लिखते हैं, जिस स्ट्रिंग को तलाश करना है वो हम फाइंड मेथड के अंदर लिखते हैं, और फाइंड मेथड तलाश, जिस स्ट्रिंग में हमें तलाश करना है उसके साथ यूं जोड़कर डॉट की मदद से लिखा जाता है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम
ये टारगेट स्ट्रिंग जिसे हमें तलाश करना है वो लिख देते हैं। तो फाइंड मेथड हमें वो लोकेशन रिटर्न कर देता है जिस लोकेशन के ऊपर हमारी मतलूबा स्ट्रिंग, हमारा मतलूबा लफ्ज, हमारे मतलूबा कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। ऐसा मुमकिन है कि जो चीज़ हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें मौजूद ना हो, उस केस में इसका जवाब हमेशा -1 होगा। तो फाइंड मेथड हमें दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है, या तो वो लोकेशन बताएगा जिस लोकेशन पे उसको मतलूबा स्ट्रिंग मिल गई, और अगर नहीं मिली तो फिर वो हमें हमेशा जवाब में बताएगा -1। ओके, थोड़ा सा मज़ीद इस मेथड को एक्सप्लोर करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम यूं भी लिख लेते हैं, हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर से हम अगर किसी चीज़ को स्लाइस करना चाहें, किसी सबस्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहें, तो हम यूं लिख सकते हैं। तो आपके ख्याल में क्या जवाब आएगा? हम ये कह रहे हैं कि आइंस्टाइन के अंदर से स्ट्रिंग जो लोकेशन 25 है वहाँ से लेके ऑनवर्ड्स आखिर तक तमाम कॉन्टेंट शो कर दिए जाएँ। सो इफ़ वी सी, तो 25 के ऊपर THE मिला था उसे, उसने वहाँ से लेकर ऑनवर्ड्स आखिर तक जितनी भी चीज़ें उस स्ट्रिंग का हिस्सा थी वो सारी स्ट्रिंग ऑनवर्ड्स आखिर तक, क्योंकि हमने एंड लोकेशन स्पेसिफाई नहीं की थी, सो उसने आखिर तक पूरी स्ट्रिंग हमें दिखा दी। ओके, फर्स्ट करें, मैं कैपिटल टी सर्च करना चाहता हूँ इसके अंदर। तो आपके ख्याल में आप जरा स्ट्रिंग को नेकेड आई से देखिए और बताइए क्या जवाब आएगा, क्या कैपिटल टी उसको मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो कहाँ मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या जवाब आएगा? येस, आई गेस यू वुड हैव गेस्ड इट करेक्टली कि कैपिटल टी इस पूरी स्ट्रिंग में एक ही जगह पे है और वो है लोकेशन 0। सो अगर हम फाइंड टी करते हैं तो हमें इसका जवाब 0 में मिलना चाहिए, चूँकि पहली ही लोकेशन के ऊपर ये कैपिटल टी मौजूद है। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें हम लफ्ज़ स्टुपिडिटी इसके अंदर तलाश करना चाहते हैं, तो सॉरी मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है, दैट्स वाई वी गॉट -1। सो अगर स्ट्रिंग नहीं मिलती, जैसे मैंने आपको बताया था, इट रिटर्न्स -1, बट इन दिस केस वी हैड मिस स्पेल्ड इट, दैट्स वाई इट रिटर्न्ड। सो इफ वी सर्च स्टुपिडिटी इन इट, वी रिसीव 48। दैट मीन्स दैट दिस वर्ड स्टुपिडिटी अकर्स एट लोकेशन 48। ये 48 कैरेक्टर लोकेशन के ऊपर ये लफ्ज़ शुरू होता है, तो इट रिटर्न्स अस दैट लोकेशन वेयर द वर्ड, वेयर दैट पर्टिकुलर वर्ड और सबस्ट्रिंग इज फाउंड, राइट। सिमिलरली अगर हम अब जैसे हम बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ 48 लिखूँ, 48 स्टार्ट लोकेशन, दैट मीन्स मैं स्टुपिडिटी से ऑनवर्ड स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहता हूँ, और चूंकि स्टुपिडिटी से आगे कोई लफ्ज नहीं है लिहाजा वहाँ पे ये स्ट्रिंग एंड हो जाती है। और एज वी सेड अर्लियर कि अगर हम कोई ऐसा लफ्ज तलाश करना चाहते हैं जो स्ट्रिंग में है ही नहीं, जैसे अभी हमने स्टुपिडिटी को मिस स्पेल किया था तो उसने हमें -1 रिटर्न किया था, फर्स्ट करें आई आस्क इट टू सर्च फॉर अलजेब्रा। इज अलजेब्रा एग्जिस्टिंग इन द स्ट्रिंग? नो इट इजंट। So intuitively we'll get -1 in this case. So I hope you got the idea of the find method, that the find method basically is used to search or look for a specific word, specific substring from a string, and if that substring is found in the main string, we receive the location where it is found, otherwise we receive -1. -1 indicates that the string that we wanted to search in a specific string is not found. ओके, यहाँ पे पाइथागोरस की मिसाल दी हुई है, यू कैन लुक गो थ्रू दिस एग्जांपल एज वेल, बट इंस्टेड वी यूज्ड अनदर कोट फ्रॉम आइंस्टाइन। ओके, अब इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएट टू -1। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि -1 हमें जवाब देंगी। सो क्या ख्याल है इसके बारे में? आपके सामने जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई क्विज आए उसे स्टॉप करके पहले खुद रिजॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आप खुद ये असेस कर सकें कि आपको कितना समझ आया है, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन प्ले इट एंड सी हाउ इट गोस। सो अगर हम टेस्ट डॉट फाइंड टी लिखें तो आपके ख्याल में क्या जवाब आएगा? क्या टी उसको टेस्ट में मिल जाएगा? मिल जाएगा तो किस लोकेशन पे मिलेगा? सो इट फाइंड्स टी एट लोकेशन 0। सो यू सी दैट इट इज़ फाउंड एट लोकेशन 0, राइट। अच्छा, फर्ज करें अगर मैं यूं लिखूं, ये तो हमने देख लिया,
अगर मैं यूं लिखूं तो क्या होगा? ये बात हम पहले भी देख चुके हैं अगर से, लेकिन फिर इस केस में क्या टेस्ट के अंदर उसको टी मिल जाएगा? इस केस में हमें एक नेम एरर मिलेगा, राइट? इट सेज नेम एरर, नेम टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो आप देखिए फर्क क्या है, यहां पे हमने कोटेशंस डाले थे। कोटेशंस का मतलब है कि हम एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कोटेशंस नहीं डाले। जब कोटेशंस नहीं डालते तो पाइथन का इंटरप्रेटर ये एक्सपेक्ट करता है ये कि ये कोई वेरिएबल का नाम होगा, और अगर ये वेरिएबल का नाम आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसे यकीनन आपने ऊपर कहीं पहले डिफाइन किया होगा, राइट? अगर आपने डिफाइन नहीं किया हुआ तो आपको हमेशा यहाँ पे नेम एरर देगा। सो हाउ अबाउट अगर मैं यूं लिख लूँ, टेस्ट इज इक्वल टू टेस्ट, इज इट ऑल राइट? यस इट इज ऑल राइट। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जिसमें वेरिएबल का नाम हम टेस्ट रख रहे हैं, और उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और वो वैल्यू भी टेस्ट ही है, राइट? एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं यूं लिखूं टेस्ट डॉट फाइंड टी, तो हमें टेस्ट चूंकि एक वेरिएबल है और उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है और इसका पहला कैरेक्टर टी ही है, सो वी विल फाइंड दैट टी हियर। Okay, what if I use double quotes instead of single quotes? Will it still find it? Yes, that doesn't make any difference. Single quote ke saath string likhein ya double quote ke saath likhein, isse koi farak nahi padta. Agar main thodi si ye tabdili kar doon, main ise capital bana doon, right? Kya ab, aur main isko TE kar doon, क्या अब इसको ये सब स्ट्रिंग मिल जाएगी? इस केस में ये हमें माइनस वन रिटर्न करेगा, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी इक्विवेलेंट नहीं होते, राइट? सो वी हैव कैपिटल टी एंड ई, दिस पैटर्न अवेलेबल बट नॉट स्मॉल टी एंड ई, ये पैटर्न हमें अवेलेबल नहीं है, ओके? इसी तरीके से अगर हम टेस्ट में एस टी सर्च करें तो क्या ये हमें मिल जाएगा? Is st occurring in this string test test? Yes. At what location? At location 2. 0 is t, 1 is e, and at location 2 and 3 you find this pattern st. So you find 2 as a result of that. And how about if I search for test in west? अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टेस्ट तलाश करना चाहता हूँ, और किस में तलाश करना चाहता हूँ? वेस्ट में। तो क्या टेस्ट वेस्ट में मिल जाएगा? ऑब्वियसली दिस सब स्ट्रिंग टेस्ट इज नॉट फाउंड इन दिस इन द स्ट्रिंग वेस्ट, सो यू शुड रिसीव माइनस वन इन दिस केस। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ फाइंड मैथड वर्क्स। ओके, वी मूव ऑन। वी हैव अनदर क्विज टू रीइन्फोर्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंड मैथड। फॉर एनी स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एनी स्ट्रिंग, हमारे पास एस एक स्ट्रिंग है, एस वेरिएबल का नाम है, और फर्ज करें उसके अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है जो हमने स्टोर की हुई है, कोई भी वैल्यू जो हमने स्टोर की हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैज द वैल्यू जीरो, राइट? वी हैव अ स्ट्रिंग एस, और उसके अंदर फर्ज करें कि कोई भी वर्ड हमने स्टोर किया हुआ है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मैथड हमें रिटर्न करेगा जीरो, राइट? सो हम इनको एक एक करके देखते हैं। हम एस की कोई मिसाल ले लेते हैं, हम एस के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं कोई भी। फर्ज करें हमने एस के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग के अंदर हमने स्टोर कर लिया प्रोग्रामिंग, राइट? अब पहली चीज जो हमसे पूछी गई है दैट इज एस डॉट फाइंड एस, कि अगर हम एस स्ट्रिंग के अंदर एस स्ट्रिंग को ही फाइंड करें तो क्या हमें मिल जाएगी? ऑब्वियसली हम एक स्ट्रिंग के अंदर उसी स्ट्रिंग को अगर तलाश कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगी, और मिलेगी कहाँ पे? जाहिर है पहले ही करेक्टर से मैच शुरू हो जाएगा, सो इट शुड गिव अस जीरो। सो हमसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन हमें जीरो रिटर्न करेंगे, तो पहला एक्सप्रेशन हमें जीरो रिटर्न कर रहा है। दूसरे एक्सप्रेशन में हमसे पूछा गया है कि आप एस डॉट फाइंड दिस एस। अब यू कैन मेक नोटिस अ डिफरेंस दैट दिस इज द वेरिएबल नेम एस एंड दिस इज एज सच द स्ट्रिंग लिटरल, राइट?
तो क्या ये स्ट्रिंग एस जो है जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है, प्रोग्रामिंग, तो क्या प्रोग्रामिंग के अंदर हमें ये एस मिल जाएगा? द आंसर इज नो, दिस एस डज नॉट अकर इन दिस स्ट्रिंग इन द प्रोग्रामिंग, इन दिस स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग, राइट? सो दिस शुड गिव अस -1, राइट? द नेक्स्ट थिंग दैट इज आस्क्ड फ्रॉम अस इज दैट व्हाट इफ वी सर्च फॉर this particular case, that is s dot find s. Now in this case we are not using the variable name s, we are instead writing the string literal directly, and we are saying is this string good enough that we find this s and this. So both strings are equivalent and we will find this s at location 0 in this case, so this is perfectly all right, right? And the next one is s dot find an empty string, right? Remember this is an empty string. Empty string means कि आपने ये कोड डाला और साथ ही ये कोड डाल दिया, दरमियान में स्पेस भी नहीं दी. तो अब ये जो स्ट्रिंग है s, इस इन दिस केस यू सी देर आर नो कोड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग. तो क्या प्रोग्रामिंग के अंदर हमें एम्पटी स्ट्रिंग मिल जाएगी? यस, दिस इज अ बिट ऑफ ट्रिक that we always find the empty string in any string. Ab empty string ka matlab kya hota hai? Empty string ka matlab hota hai nothing. So that this expression basically means that we want to find nothing in something. So if we are finding nothing in something, we will always find that nothing, because we have, as by definition, we are searching nothing. So this will be found, the empty string or null string will always be found in any string, right? So this is not really worrisome. And similarly, the last question is this. If you see this particular case, here we say that s dot find s कौन सा string है, ये programming. तो हम ये कह रहे हैं programming के अंदर programming को ही तलाश करें, लेकिन सिर्फ programming को तलाश ना करें, बल्कि उसके साथ plus operator, आपको पता है string के साथ concatenation कर देता है. तो आप plus operator इस्तेमाल करके आप ये तीन कोट्स इसके साथ कंकैटिनेट कर दें. तो अब इस केस में ये स्ट्रिंग जो हम तलाश कर रहे हैं क्या बन जाएगी? दिस विल बिकम प्रोग्रामिंग और उसके एंड पे तीन कोट्स आ जाएंगे. तो अगर हम प्रोग्रामिंग के की स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग तलाश करें जो कि प्रोग्रामिंग एंडिंग विद 3 एक्सक्लेमेशन कैरेक्टर्स है, तो क्या वो हमें उसके अंदर मिल जाएगी? ऑब्वियसली इसका जवाब है कि वो स्ट्रिंग हमें उसके अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग is equivalent to programming, but programming is not equivalent to programming ending with 3 exclamation characters, right? So in this case we will receive -1, but since the question was that you add 1 in it, so since ye string hame nahi milegi to iska jawab -1 aayega, aur isme jab hum +1 karenge to jawab 0 ho jayega, right? So that means ye last case bhi hame 0 hi return karega, right? So in this particular case we have noticed that this is the only expression which does not return 0, all other expressions return 0 to us.